हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैशन टिप्स पे। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज में पैड लगाते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो पैड है, जिसमें से ये ब्लैक वाला जो है, इसके बारे में आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे। ये कॉमन है, ये हर जगह पाया जाता है। इसे लगाना काफ़ी आसान है और आप लगाते हुए आपको इतना मज़ा आएगा कि आप सब कुछ भूल जाइएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं वीडियो बनाते बनाते कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी और फिर मैं उसको खोल करके आप लोगों को दिखाई कि किस तरह से ये बनाया जाता है, पैड लगाया जाता है। और ये जो पैड है, ये ज़्यादातर लोग उस पैड के बारे में तो जानते हैं, पर ये वाइट वाला पैड के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वाइट वाले को किस तरह से लगाते हैं, आज मैं आपको ये दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं प्रिंसेस कट की कटिंग नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों को कटिंग सीखना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी कटिंग भी ज़रूर लेकर आऊँगी। ये मैंने गला ये सिल करके अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ, और ये मेरा बैक पार्ट है, मैंने इसे भी सिल करके रेडी कर लिया है। तो देखिए, मैंने ऊपर से ये हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है पीछे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो है साइड से भी एक इंच एक्स्ट्रा रखा है दोनों साइड से, और नीचे के साइड से भी एक इंच एक्स्ट्रा रखा है। चलिए, अब मैं दिखाती हूँ कि आप इसकी टेकिंग किस तरह से लगाते हैं। मैं बहुत हार्ड तरीका आप लोगों को नहीं बताऊँगी, बहुत सिंपल तरीके से, पर इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसको मैं इस तरह से मेजर कर लेती हूँ, इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। पूरा मापने के बाद मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। यहाँ मेरा करीब 7.5 इंच आता है, और इसके बाद फिर यहाँ से मैं पूरा मेजर करूँगी। इसके बाद इसका पूरा हाफ जहाँ तक आता है, यानी कि ये टोटल 10 था और हाफ आया 5 इंच। अब नीचे से मैं लगभग 4 इंच का ये लंबा निशान लगाऊंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने हाफ पे निशान लगाया था, उसे भी यहाँ लगभग 3 इंच का एक लंबा निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डार्ट पॉइंट मेजर करूँगी, मतलब ऊपर से चेस्ट का 1/4 यानी कि 8.5, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा मेरा टोटल 9.5 इंच। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम पैड अटैच करेंगे। तो अब धीरे धीरे देखिए, मैं इसे इस तरह से राउंड कर देती हूँ। तो ये हमारा एक प्रिंसेस कट का टेकिंग तैयार हो चुका है, टेकिंग का निशान। तो अब इसे मैं दूसरे वाले निशान को इसी निशान से लगाऊंगी, ताकि मेरा जो निशान है वो ख़राब ना हो, अलग सा ना हो जाए। इसलिए मैं इसे देखिए इस तरह से एक बराबर कर लेती हूँ। और इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद देखिए ये हल्का हल्का सा निशान आ गया है, और इसे मैं डार्क कर लूँगी। तो देखिए, ये हमारा दोनों सेम निशान लगकर तैयार हो चुका है, और अब इन दोनों निशान को फिर से मैं एक बार डार्क कर लेती हूँ। अब इसको इस तरह से रख करके फिर से प्रेस करूँगी, ताकि ऊपर वाले कपड़े में भी निशान आ जाए।
अब देखिए इसमें भी हल्का हल्का सा निशान आ गया है, अब इसे मैं डार्क कर लूँगी। देखिए मेरी चारों जो टेकिन के निशान हैं वो बिल्कुल चारों एक से हैं और बिल्कुल भी अलग अलग यहाँ वहाँ नहीं हुआ है। तो चलिए मैं इससे इस तरह से पकड़ते हुए जहाँ पे मैंने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक नुकीली करते हुए सिलाई लगाएंगे और बीच का बस नाम मात्र का सिलाई लगाएंगे और यहाँ नीचे 1/2 इंच पकड़ेंगे। चलिए मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इसी तरह से दूसरे वाले मतलब अस्तर वाले कपड़े में भी उसी तरह सिलाई लगाएंगे, लेकिन दोनों सिलाई अलग अलग दोनों एक साथ अटैच करके नहीं लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, इस तरह सिलाई लगा लिया और बीच में मैंने देखिए हल्का हल्का सा बिल्कुल भी पकड़ा है और नीचे फिर उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाते हुए नीचे 1/2 इंच तक मैंने बढ़ाया है और ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए उसी तरह से मैंने ऊपर वाले कपड़े में भी उसी तरह से लगाया है। उसके बाद मैंने जहाँ पे डार्ट पॉइंट लगाया था वहाँ पे मैंने इस तरह से डार्ट पॉइंट के ऊपर हम इस तरह से पैड को कपड़े के बीचों बीच इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई सिर्फ बीच में लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कहीं और लगाएंगे तो वो बहुत ख़राब लगता है देखने से ऊपर से, और सिर्फ अस्तर पे ही वो सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाले कपड़े में नहीं लगाएंगे। चारों तरफ से पैड को अटैच नहीं करेंगे वरना वो बहुत ख़राब लगता है। अब यहाँ पे मैंने ये मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा लिया है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया।